तो यहाँ पर 3 फ्लोर पे जितनी भी गैलरी थी वो देख के मैं आ गया हूँ बाहर। और भी कई सारी चीज़ें थी वहाँ पर देखने के लिए, बट मैं जो है वो वीडियो में नहीं दिखा सकता। तो अभी हम चले गए यहाँ से वापस बाहर, और यहाँ से आगे हम लोग कहाँ पर जाएंगे मैं आपको बाहर जाकर बताता हूँ। तो नेहरू साइंस सेंटर देखने के बाद मैं आ गया हूँ वापस बाहर। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से नेहरू प्लेनेटेरियम। नेहरू प्लेनेटेरियम जाने के लिए आप यहाँ से बस में भी जा सकते हो, या फिर आपको टैक्सी करना है तो आप टैक्सी में भी जा सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप बस के लिए वेट कर सकते हो। मैं जो है बस में ही जाने वाला हूँ, तो बस का जो है थोड़ा सा वेट करना होगा। यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे बस जाती है यहाँ से नेहरू प्लेनेटेरियम। आपको जो है नेहरू तारांगण करके बस स्टॉप है वहाँ पर उतरना है, और नेहरू साइंस सेंटर से आप जैसे ही बाहर आते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा आगे जाना है। तो यहाँ पर ये बस स्टॉप है, यहाँ इस बस स्टॉप से जो आपको बस मिलेगी 3 बस जाती है यहाँ से, एक 54 नंबर की है, एक 80 नंबर है और एक जो है 154। तो भी मैं वेट कर रहा हूँ, जैसी बस आएगी हम लोग जाएंगे सीधा नेहरू प्लेनेटेरियम। तो 5 मिनट का ट्रैवल करके मैं पहुंच गया हूँ नेहरू प्लेनेटेरियम के यहाँ पे। तो यहाँ इस बस स्टैंड के पीछे ही जो है एक गेट आपको देखने मिलेगा, इस गेट से जो आपको अंदर जाना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही बस स्टैंड से यहाँ पे नीचे उतरते हो, यहाँ पर है बस स्टैंड, तो थोड़ा सा आगे आना है तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये गेट देखने मिलेगा, तो इस गेट से आप जो अंदर जाना है। तो बस स्टैंड के पीछे वाला जो मैंने गेट दिखाया था वहाँ से आप अंदर जाओगे तो यहाँ इस जगह पर जो है बाहर निकलोगे, तो यहाँ से आपको जो है राइट हैंड साइड पर जाना है। तो आप जैसे ही बाहर निकलते हो तो आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जो डोम जैसा देख रहे हो वहाँ पर शो होता है, तो आप वो शो एंजॉय कर सकते हो वहाँ पर। और यहाँ अगर राइट हैंड साइड पे आप आगे आते हो तो यहाँ पर जो है म्यूज़ियम और गैलरी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है म्यूज़ियम और गैलरी देख सकते हो। तो यहाँ इस नेहरू प्लेनेटेरियम में जो शो होता है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लैंग्वेज में होता है, तो उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको थोड़ी देर में दूंगा। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ यहाँ का म्यूज़ियम और गैलरी देखने के लिए। तो आप यहाँ पे जैसे एंटर करते हो तो यहाँ पे जो आपकी चेकिंग होगी, चेकिंग होने के बाद जो यहाँ पर इस ग्राउंड फ्लोर पे जो है पूरा एरिया आप देख सकते हो। यहाँ पे आर्ट गैलरी और म्यूज़ियम है जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पर। और ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर पे भी एक आर्ट गैलरी म्यूज़ियम है, तो वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हो। बस ये 2 फ्लोर आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पर जो आप ये पूरा फोटो आर्ट गैलरी देख रहे हो, तो यहाँ पर आप एक्चुअली क्या है आप बता सकते हो? एक्चुअली क्या है, हर साल एक जो बाल दिशा जो जवाहरलाल नेहरू जो उनके जन्मदिन पर एक शो किया जाता है यहाँ। शो किया जाता है नेहरू सेंटर में। तो एक बच्चों लोग 100-200 एक एप्लीकेशन आते हैं, उसमें से 20 बच्चों लोग को सिलेक्शन करते हैं। ओके, वो एप्लीकेशन कहाँ पे भरना पड़ता है? नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी यहाँ पर आके। ओके ओके। इनके जो इंचार्ज है मिसेस नीना रेगे मैडम, वो ये सब सिलेक्शन होता है उस पूरे आर्ट का। उसमें से 20 आर्टिस्ट की डिस्प्ले करते हैं। ओके। और फॉर सेल के लिए। ओके, सेल होता है। बच्चों को एक प्रमोशन जो। और प्राइस क्या हिसाब से डिसाइड होता है? ऐसे रहते हैं कि वो बच्चे लोग जो उनके जो पेरेंट्स हैं वो डिसाइड करते हैं, और जो सेल होता है वो उनको दिया जाता है। ओके, गुड, नाइस, अच्छा, थैंक यू। ओके, तो अगर आपको भी जो है इस तरह से आपका जो आर्ट है आपकी कला है आपको यहाँ पे प्रदर्शित करनी है, तो आप एप्लीकेशन भर के जो है यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। अगर आप आपका सिलेक्शन हो गया तो आपकी जो है पेंटिंग यहाँ पर लगाई जाएगी और उसे जो है सेल किया जाएगा। तो यहाँ पर जो एक चिल्ड्रन आर्ट पेंटिंग शो है जो 8 नवंबर से 13 नवंबर तक चलने वाला है, जिसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, और ये जो सारी पेंटिंग्स है वो आप खरीद भी सकते हो। तो जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हो यहाँ की पेंटिंग्स कितनी अमेजिंग है, और जिन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई है उनका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत ही अमेजिंग है गाइस, बहुत ही अमेजिंग। यहाँ पे कुछ स्केच बनाए हुए हैं, ये अक्षय कुमार का है जो बच्चन पांडे के रोल में, जो अभी फिलहाल ही उनकी मूवी आई थी, सचिन तेंदुलकर है वहाँ पर। ऊपर जो है ऋतिक रोशन का एक स्केच बनाया है। और भी बहुत सारी पेंटिंग्स जो है यहाँ पर बनाई गई है।
तो जो हमने पहले वाला जो लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे एंटर किया था, वैसे लेफ्ट हैंड साइड में जो एक आर्ट गैलरी देखा था उसका जो प्रोसीजर अलग है, और यहाँ पर जो हम लोग पेंटिंग देख रहे उसका भी प्रोसीजर अलग है। वो आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि इसका जो प्रोसीजर है वो किस तरह से, और आप किस तरह से यहाँ पे अपना जो आर्ट है वो प्रदर्शित कर सकते हो। नमस्ते, SP मेमोरियल ट्रस्ट सर पे ये एग्जीबिशन हमारा चालू है नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी में, और ये हमारा 34 इयर्स के एग्जीबिशन चालू है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें हम आपने देखा होगा कि जहांगीर आर्ट गैलरी नेहरू सेंटर ऐसे बड़े आर्ट गैलरी जो मुंबई में, वहां आर्टिस्ट के एग्जीबिशन लगते हैं, लेकिन हम यहां हर साल बच्चे लोग के पेंटिंग एग्जीबिट करते हैं। हमारी ये जो संस्था है ये लास्ट 34 ईयर्स यही काम कर रही है, बच्चों के पेंटिंग गैलरी में वो एग्जीबिट करते हैं बाल दिन के तौर पर। और इसका क्राइटेरिया रहता है, अगर आपको ये इसमें आना है तो हमारे SP मेमोरियल के ट्रस्ट के साथ कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9996011611। आपके ड्राइंग बुक में A3 A4 साइज के ड्राइंग बुक में जो भी पेंटिंग आपने निकाले होंगे वो आप हमें भेज सकते हैं, और उसको माउंट करके हम यहाँ लगाते हैं। और जो भी, जैसे हमने आपको कहा कि जो मैंने अभी नंबर कहा आपको व्हाट्सएप नंबर, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप हर साल अपने बच्चों के पेंटिंग में भेज सकते हैं। और यहाँ हम पहले दिन जब भी इनॉग्रेशन रहता है तो इनॉग्रेशन के टाइम हर बच्चे का हम सत्कार करते हैं, गोल्ड मेडल और उसको सर्टिफिकेट, जो भी पार्टिसिपेट है हर बच्चे लोग का हम सत्कार करते हैं। इसमें अराउंड 6th year to 18 years के बच्चे शामिल होते हैं, और हर समाज के स्तर के बच्चे यहाँ शामिल होते हैं, और महाराष्ट्र से नहीं, गुजरात और बिहार से भी बच्चे यहाँ ये शो में शामिल है। ये आपके सामने आरवी तुलसानी है, और उन्होंने इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाई है वाटर कलर में, और उसके बारे में ये अभी आर्टिस्ट यहाँ प्रेजेंट है, तो उनको उनके साथ हम कुछ बातचीत करते हैं। आपको कैसा लगा एग्जीबिशन? बहुत अच्छा लगा, और ये 34th ईयर्स हमारा चल रहे हैं, तो अगले साल आप आएंगे ज़रूर। हाँ, इन्होंने ये सिर्फ पेंटिंग पेपर पे भेजा था, उसको माउंटिंग करके संस्था ने लगाया, और ये नेहरू सेंटर में इसका डिस्प्ले चालू है फ्रॉम 8 to 13 November। सो वेरी वेलकम फॉर नेक्स्ट ईयर शो। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आपको कुछ कहना है पेंटिंग के बारे में, शो के बारे में बोलिए। शो बहुत अच्छा है, और यहाँ पेंटिंग देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपको कुछ बोलना है? मुझे ये कहना है कि ये शो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल सकता है, जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है वो अपना यहाँ पे आर्ट एग्जिबिशन में शो कर सकते हैं। और ये बिरला स्कूल, जो जहाँ मेरी डॉटर बिरला स्कूल में पढ़ती है, वहाँ से हमको ये पता चला है, और उन्होंने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया है। मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। आपको भी मैं अगले साल के लिए, अगले साल हमारा शो रहेगा 7 November to 13 November 2023 में, ये शो तो आपका चालू है। धन्यवाद, आपने ये सब देखा। आपको जानकारी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे। थैंक यू, वेलकम। अब हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर, और ऊपर क्या क्या आपको देखने मिलता है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सो जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आते हो, तो यहाँ पर जो ये पूरा एरिया जो है ये देख रहे हो फर्स्ट फ्लोर का, तो यहाँ पर जो आपको इंडिया की पूरी हिस्ट्री दिखाई जाती है, और वहाँ पर म्यूज़ियम है, और ये सारी चीज़ें जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई गाइड चाहिए, अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन सुननी है कि डिटेल में सुननी है, तो यहाँ पर आपको जो एक रिमोट दिया जाएगा, साथ में जो है यहाँ पर एक हेडफोन है, इसके थ्रू जो है सारी इन्फॉर्मेशन आप सुन सकते हो डिटेल में, और उसका जो कॉस्ट है यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर जो 3 languages में सारे आप इन्फॉर्मेशन सुन सकते हो, एक इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जिसका जो कॉस्ट है 100 rupees per set।
और आपको जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक फ़ोटो आईडी देना पड़ेगा या फिर आप 2000 पे करके जो है ये पूरा जो शो है वो सुन सकते हो, बट वो जो 2000 रुपये आपको वापस रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो यहाँ इस नेहरू प्लेनेटेरियम का जो म्यूज़ियम और गैलरी था वो देख के मैं आ गया हूँ वापस बाहर। बहुत ही अमेजिंग था वो पूरा जो गैलरी और म्यूज़ियम था, तो आप ज़रूर आइए यहाँ पर भी और इस म्यूज़ियम और गैलरी को जो एक्सप्लोर कीजिए। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, एक्चुअली मैं शो देखने तो नहीं जा रहा हूँ बट मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। तो वहाँ पर था आर्ट गैलरी और म्यूज़ियम, तो वहाँ से आप जैसे ही बाहर आते हो तो बाहर आके आपको जो है राइट हैंड साइड पर थोड़ा सा आगे जाना है, तो वहाँ पर था आर्ट गैलरी और म्यूज़ियम, थोड़ा सा आगे आओगे राइट हैंड साइड पे तो यहाँ पर जो आपको चेकिंग होगी, तो चेकिंग होकर आपको जो है यहाँ से अंदर आना है। तो यहाँ पर है मेन गेट जहाँ से आपको अंदर जाना है और यहाँ का जो टाइमिंग है यहाँ पर लिखा हुआ है, और टाइम जो 12 बजे का शो है वो हिंदी में होगा, 1:30 बजे का शो है मराठी में, बाकी जो आज आगे का जो जितने भी शो है उसका जो टाइमिंग लिखा हुआ है यहाँ पर। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ मुंबई के नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इंडियन सिनेमाज, जहाँ पे इंडियन सिनेमा कैसे स्टार्ट हुआ और अभी तक की जर्नी जो है वहाँ पर उस म्यूज़ियम में दिखाई गई है, तो वो देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। अगर वीडियो शूट करने दिया तो आपको भी मैं जो है वीडियो में दिखाऊंगा। तो फिलहाल जो हम लोग बस स्टैंड के यहाँ पे खड़े वेट कर रहे हैं बस का, तो देखते कब बस आता है।